बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 28, फर्स्ट ईयर, चैप्टर 4, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अज़ीज़ तलबा, आज हम सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज़ करने लगे हैं। क्रिस्टल लैटिस और आयोनिक सॉलिड्स के जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड हैं एमसीक्यूज़। तो वो कहता है कि अगर ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, कोई भी एक्स इज इक्वल नहीं है, और अल्फा गामा एंगल 90 डिग्री है, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, तो कौन सा सिस्टम होगा। मोनोक्लिनिक सिस्टम की ये निशानी थी कि वहाँ पे बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री था। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब स्टेटमेंट वही सेम है, बस यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ अंदर जो है चेंज हो चुके हैं हमारे पास कंपोनेंट्स, तो फिर आंसर वही रहेगा हमारा मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट है कि व्हेन ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा गैमा इक्वल टू 90 डिग्री और गैमा जो है वो 120 डिग्री है। अल्फा बीटा 90 के इक्वल है, गैमा 120 है, तो गैमा 120 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, हेक्सागोनल में। द एक्सिस यूनिट सेल लेंथ फॉर कॉपर इज, जिंक और कॉपर जो है ये उसमें सेम उसमें पाए जाते हैं, तो इसमें हमने देखना है कि कौन सा ग्रुप जो है इसमें मौजूद है। ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, या ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो इसमें हमारे पास कॉपर और जिंक जो होता है ये हमारे पास पाया जाता है हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल नहीं बल्कि ये क्यूबिक में पाया जाता है। हेक्सागोनल में जिंक जो है वो होता है, जिंक और कॉपर ये चूंकि एक दूसरे के आसपास होते हैं, तो कॉपर जो है वो क्यूबिक है, और जिंक अगर आ जाए तो फिर वो जो है हमने हेक्सागोनल लगाना है। ग्रेफाइट हैज स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, मोनोक्लिनिक है या हेक्सागोनल है, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोनल होता है। नेक्स्ट है, एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम इज सल्फर, NaCl, ग्रेफाइट और डायमंड, तो हेक्सागोनल जो है वो ग्रेफाइट है। अब हमारे पास सब्जेक्टिव है, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड्स बिकॉज दे आर कंपोज ऑफ न्यूट्रल एटम्स ऑफ द सेम आर डिफरेंट एलिमेंट्स। कोवेलेंट सॉलिड्स को हम एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि ये न्यूट्रल एटम्स जो होते हैं उनके कम्बिनेशन से ये बनते हैं। ये न्यूट्रल एटम सेम भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप्स हैं इसकी, जॉइंट स्ट्रक्चर और लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब ये जॉइंट स्ट्रक्चर क्या है, व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्वाइन टू फॉर्म जॉइंट मॉलिक्यूल्स लाइक डायमंड, सिलिकॉन, कार्बाइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड। जॉइंट होता है मतलब एक बहुत बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर होता है जिसमें एटम्स आपस में जुड़ते ही चले जाते हैं, जुड़ते ही चले जाते हैं, और एक बहुत बड़ी क्रिस्टल जो है उसको जन्म देते हैं, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या है, व्हेन एटम्स ज्वाइन टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड सेपरेट लेयर्स आर प्रोड्यूस लाइक दैट ऑफ ग्रेफाइट, कैडमियम आयोडाइड एंड बोरॉन नाइट्राइड। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर वो होता है कि उसमें एक लेयर होती है एटम्स की, दरमियान में फासला होता है, फिर दूसरी लेयर होती है, फिर फासला होता है, लेयर बाय लेयर जो है वो स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है।
प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल्स, चार प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये भी एक्सटेंसिव में ये चार प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं, तो इम्पॉर्टेंट हैं ये भी। ओपन स्ट्रक्चर, सबसे पहले बाइंडिंग इन कोवेलेंट क्रिस्टल्स एक्सटेंड इन थ्री डायमेंशंस। कोवेलेंट क्रिस्टल्स में भी बाइंडिंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे तीनों डायरेक्शन में फैल जाती है। दे कंटेन अ नेटवर्क ऑफ एटम, इसमें भी नेटवर्क ऑफ एटम्स होते हैं। वैलेंसीज ऑफ एटम्स आर डायरेक्टेड इन डेफिनेट डायरेक्शन, अब ये है काम की बात, वैलेंसीज एक डेफिनेट डायरेक्शन में डायरेक्टेड होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक फिक्स डायरेक्शन में एटम्स जाकर एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रल एक स्ट्रक्चर है जिसमें चार कोनों पर एक मखसूस फासले पे एटम फिक्स हो जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि उसकी वैलेंसीज जो हैं वो उन चार डेफिनेट डायरेक्शंस में फिक्स हो गई हैं। सो द पैकिंग ऑफ एटम्स इन दीज क्रिस्टल्स इज लूजर देन दोज ऑफ आयोनिक एंड मेटेलिक क्रिस्टल। यही वजह है कि पैकिंग जो है आयोनिक क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल्स के मुकाबले में कोवेलेंट क्रिस्टल्स की लूज होती है, क्योंकि जब एटम्स मखसूस जगहों पे जाके फिक्स होते हैं तो उनके दरमियान में जो फासला होता है वो स्पेस के तौर पर काउंट किया जाता है। यही वजह है कि एटम दूर दूर होने की वजह से स्ट्रक्चर लूज हो जाता है। दस कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैव ओपन स्ट्रक्चर, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर ओपन है, यानी ये हर डायरेक्शन में ग्रो करता है ओपनली। स्टेबिलिटी, दीज क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। ये भी बहुत ही हार्ड होती हैं और इनको तोड़ने के लिए अच्छी खासी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट हाई हैं एंड देयर वोलाटाइलिटी इज़ वेरी लो, और ये बुखारात बनकर नहीं उड़ते, अगर वोलाटाइलिटी होती भी है तो वो बहुत ही कम होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब इनमें आयंस नहीं होते क्योंकि ये एटॉमिक सॉलिड्स हैं, तो आप देखना यह है कि क्या इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो बिजली कंडक्ट हो सकेगी, नहीं तो नहीं हो सकेगी। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। हाउएवर, ताहम ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन बिटवीन द लेयर्स, और ग्रेफाइट की लेयर्स के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज, ये इलेक्ट्रॉन हरकत भी कर सकते हैं एंड कंडक्टिविटी बिकम्स पॉसिबल, और बिजली कंडक्ट हो सकती है। ग्रेफाइट इज नॉट अ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू दी लेयर्स, ताहम परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो ये बिजली को कंडक्ट नहीं कर सकते। इसके बारे में डिटेल में हमने एन आइसोट्रॉपी के टॉपिक में पढ़ा था कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं उनको एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, और वहाँ हमने ग्रेफाइट की भी एग्जाम्पल दी थी कि ग्रेफाइट में पैरेलल लेयर्स के अलांग रास्ता मौजूद होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से हरकत करके एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर देखें, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ पैरेलल की बजाय, तो फिर वहाँ पर कोई रास्ता ही मौजूद नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स को हरकत करने के लिए, इसलिए परपेंडिकुलर जो है ग्रेफाइट नॉन कंडक्टर है या बहुत ही वीक कंडक्टर है। स्टेबिलिटी, मोस्टली कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, आमतौर पर ये पानी में हल नहीं होते क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, बट दे आर रेडियली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ताहम चूँकि ये खुद नॉन पोलर हैं लिहाजा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये हल हो जाते हैं, जैसा कि बेंजीन में और कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। ये एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर पोलर को हल करेगा, नॉन पोलर को हल करेगा। द कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैविंग जॉइंट मालिक्यूल, ताहम ऐसे कोवेलेंट क्रिस्टल्स जो जॉइंट मालिक्यूल पर मुश्तमिल हैं जैसा कि डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड, आर इनसॉल्युबल इन ऑल द सॉल्वेंट्स, इनका मालिक्यूल ही इतना बड़ा होता है कि सॉल्वेंट के मालिक्यूल इनको ब्रेक करके अपने अंदर हल करने की सलाहियत ही नहीं रखते, तो जॉइंट मालिक्यूल किसी भी सॉल्वेंट में आमतौर पर हल नहीं होते। बिकॉज ऑफ देयर बिग साइज दे डू नॉट इंटरैक्ट विद द सॉल्वेंट मालिक्यूल्स, बहुत बड़ा साइज़ होने की वजह से वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करते, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं करते, इसलिए ये हल भी नहीं होते।
द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सच क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर वेरी स्लो. इस तरह के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके केमिकल रिएक्शन बहुत ही स्लो होते हैं, क्योंकि इनमें आयंस भी कोई मौजूद नहीं होते, ना ही ये आयोनाइज होते हैं, इसलिए इनके रिएक्शंस बहुत ही स्लो होते हैं, मॉलिक्यूलर नेचर होती है इनकी. तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर. बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.